हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेलकम हेल्दी किचन में। तो आम की सीजन आ गई है और हम झटपट बना लेंगे घर के ही हेल्दी आमचूर या खटाई। फ्रेंड्स, हमने आम ले लिए है यहाँ पर। अब हम इसे क्या करेंगे, इसके ये नाके जो है ऊपर की ये हटा देंगे और इसको हम लोग काट लेंगे। और हम लोग इसको काटेंगे एकदम ऐसे पतला पतला, ऐसे करके हम लोग सारे आम काट लेंगे। तो गाइस, ये देखो मैंने सारे आम को ऐसे लंबे लंबे पीसेस काट लिए हैं। अब हम लोग इसको धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। तो चलिए टेरेस पे चलते हैं धूप में सुखाने। चलो गाइस, हमने इसे धूप में ला के इस तरह से फैला के सुखा दिया है। ये 3-4 दिन में भी कड़ी धूप हो तो सूख जाते हैं, नहीं तो 1 वीक भी लेते हैं। तो हम इसे अच्छे से सुखा देंगे। गाइस, फाइनली हमारे ये आम पूरे सूख के तैयार हैं। आप देख सकते हो ये कितने सूख गए हैं, ये ऐसे ही टूट रहे हैं। अभी हम इसका क्या करेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखो, अब ये पूरा सूख चुका है, पूरा ही सूख चुका है ये। तो गाइस, जब ये सूखे आम को हम लेंगे मिक्सी के जार में। और अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। गाइस, ये हमारा देखो आप, ये हमारा एकदम बन के तैयार है। ये देखो कितना महीन पाउडर हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो, लेकिन मेरा तो ऑलरेडी महीन पाउडर ही है तो मैं इसे छान नहीं रही हूँ। तो आप देखो हमारी ये खटाई बन के तैयार हो गई है। तो बाजार की खटाई में तो बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें मिली होती है। कई बार न्यूज में भी आते हैं कुछ कुछ की उसमें कुछ गोबर सुखा के मिलाया हुआ है या भूसा मिलाया हुआ है। तो इससे अच्छा कि आप घर में बनाओ खटाई, एक नंबर खटाई है। और इसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हो, ये कभी ख़राब नहीं होगी। आपकी बाजार की खटाई की तरह ये ख़राब नहीं होती है, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो गाइस, मेरा हेल्दी आमचूर पाउडर बनके तैयार है। तो आप बताओ आप कब घर का आमचूर पाउडर बना रहे हो। थैंक यू।